आया है। हालेलुया हालेलुया। आज के दिन से ये छठवें महीने की पहली तारीख से इस साल के मध्य में यीशु मसीह यीशु से प्रेम करने वालों के मध्य में आया है, उनके परिवार के मध्य में आया है, उनके सेवकाई के मध्य में आया है, उनकी नौकरी उनके बिजनेस में मध्य में आया है, उनके परिवार के फाइनेंशियल और फैमिली प्रॉब्लम के मध्य में आया है। जिसके मध्य में यीशु आया है उसके लिए आज के दिन से खुदावन के जलाल के दिन है, खुदावन की महिमा के दिन है, खुदावन के सुपर नेचुरल वे के दिन है, अलौकिक बातों के दिन है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी अद्भुत बातें यीशु आया है जो आपके जीवन में आज लेकर आया है। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही आनंद से भरा हुआ आज का दिन है। इसलिए अजीजो इन परिस्थितियों में पीछे मत हटो, इन परिस्थितियों में हियाव मत छोड़ो, इन परिस्थितियों में अपनी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि दिस इज अ प्रोफेटिकल वर्ड। ये आज के दिन के लिए बहुत सारे लोग प्रॉफिट 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 करते हैं, लेकिन प्रॉफिट के पास कोई प्रोफेटिकल मैसेज नहीं होता है, वो केवल गॉस्पल सुसमाचार ही प्रचार कर रहा है। अगर जेन्युइन प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री जो है या जेन्युइन प्रोफेटिकल मैसेज जो प्रचार करता है ना, तो उसके कंफर्मेशन होते तो आज का प्रोफेटिकल मैसेज के लिए ये पहली तारीख और ये छठवां महीना आदि में वचन था, उत्पत्ति 1:1 के अनुसार आदि में वचन था जो परमेश्वर के साथ था, यूहन्ना 1:1 के साथ प्रारंभ में पृथ्वी बेडोल थी, वहां पे खुदा का कलाम आया और कायनात में सारी बदलावट लेकर आया। और ये छठवां महीना दिस इज द प्रोफेटिकल मंथ फॉर यू। लॉर्ड विल चेंज एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन विल चेंज। यीशु के नाम में मैं आज घोषित करता हूँ कि आपके जीवन में इस महीने से उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा जो व्यक्ति सच में खुदा के साथ वफादार है, जो व्यक्ति अपने चर्च के साथ वफादार है, जो व्यक्ति अपने परिवार से वफादार है, जो व्यक्ति यीशु के वचनों पे चलने में वफादार है, उसके जीवन में इस छठे महीने की पहली तारीख से खुदावन अद्भुत दरवाजे खोलने जा रहा है, फाइनेंशियल दरवाजे खोलने जा रहा है, बरकत के दरवाजे खोलने जा रहा है, चंगाई के दरवाजे खोलने जा रहा है, सामर्थ के दरवाजे खोलने जा रहा है, मिनिस्ट्री के दरवाजे खोलने जा रहा है, बिजनेस नौकरी के दरवाजे खोलने जा रहा है। आमीन हालेलुया। घोषित करो आज के दिन से, जैसे हग्गई की किताब में कहा गया है, आज के दिन से मैं तुझे आशीषित करूं। परमेश्वर आज के दिन से सच में आपके जीवन में काम करने जा रहा है। अजीजो मैं आपके पास ये संदेश कोई बना बनाया लेकर नहीं आया हूँ, जो मेरे स्पिरिट में खुदावन ने, क्योंकि आज सुबह से मैं बहुत सारे लोगों को विजिट करने के लिए दौड़ रहा हूँ, पुणे शहर में अलग अलग जगह पर मैं जा रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, आज पुणे शहर में जैसे ये शिथिलता मिल गई है, सब बातें खुल गई है, लोग ऐसे भाग रहे, इतनी खुशी में लोग, आज 2 बजे तक सारी दुकानें खुली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि मुझे पहली बार मैं पुणे शहर में आया हूँ। जो वो दौड़ रहा है, ये शॉपिंग कर रहा है, वो शॉपिंग कर रहा है, फटाके बज रहे, लोग बड़े बड़ी खुशियों की बातें कर रहे, 2 बजे तक सब खुला है बोलकर, और वो सब माहौल देखकर मेरा भी दिल भरकर आया, खुशी से भरकर आया, क्योंकि खुदावन 2 बजे तक शहर को पूरी तरह से आजाद कर रहा है, आने वाले दिनों में सभी टाइम में खोल दिया जाएगा। आमीन हालेलुया। सुबह से मैं आज बहुत सारे फैमिलीज को विजिट कर चुका हूँ, और इसलिए आज थोड़ा आने के लिए लेट हुआ, सेशन भी थोड़ा लेट शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिलना था। हमारे स्लम में कुछ ऐसी बुढ़िया माता है जिनके पास कोई जाता नहीं, उन बुढ़ियों के घर पे गया हूँ, उन माताओं को मिलकर आया हूँ, जो उनको हेल्प करना है हेल्प करके आया हूँ, उनके लिए दुआ करके। और बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज का ये छठवां महीना ये खुदावन का काम करने का दिन है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। छठवें दिन उसने आपको और मुझे, हमारे बाबा आदम को उसने बनाया था, हवा मैडम को उसने बनाया था, ये वो छठवां दिन है। निश्चय ये छठवें महीने से परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में नई नई बातें करने वाला है, जो आपने सोचा नहीं, जो आपने कभी देखा नहीं, ऐसी अद्भुत बातें परमेश्वर करेगा। लेकिन ये उनके लिए होगा जो सच में खुदा के साथ वफादार है। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रॉफिटिक मैसेज बहुत प्रचार कर चुका हूँ, लेकिन जब भी प्रचार किया हूँ ना, मैं प्रॉफिट नहीं हूँ, लेकिन जब भी प्रॉफिटिक मैसेज प्रचार किया हूँ ना, प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूँ, उसका कन्फर्मेशन होता था,
डेट के अनुसार, उसके साथ साथ वचन के अनुसार, वचन और दिन के अनुसार अगर प्रॉफिटिक मैसेज डिलीवर नहीं होता है ना, तो आपको समझना है कि वो बकवास प्रॉफिट है। वो केवल चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको खुश करने वाली बातें कर रहा है, लेकिन जब प्रॉफिटिक मैसेज आता है ना, तो वो कंफर्मेशन लेके आता है, आपके प्रेजेंट सिचुएशन को टच करने वाला मैसेज आता है, तब वो प्रॉफिटिक मैसेज होता है जो बंधन को तोड़कर आपके लिए आशीष के दरवाजे खोलता है। नहीं तो किसी के बोलने से दरवाजे नहीं खुलेगा, उसके लिए प्रॉपर काम होने पर चाहिए। जैसे आत्मा पानी पे, उत्पत्ति के पहले अध्याय में कहता है आत्मा पानी पे मंडरा रहा था, और जब वचन आया, वचन और आत्मा जब टकराए, तब सृष्टि में बदलाव आया। यही बातें आज हमारे जीवन में होनी चाहिए। आपके जीवन में आत्मा परमेश्वर के प्यास से, भूख से तड़प रहा है, और जैसे वचन आपके पास आता है, वचन और आपके भीतर काम करने वाला आत्मा जब एक साथ होते, परिणाम आपके जीवन में आता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आज आपको बहुत ब्लेस करना चाहता है। मेरा टाइम खत्म हुआ है, क्योंकि मैं आपको खुश करने में या आपको बड़ापन करने में टाइम नहीं बिता रहा हूं, जो बातें मेरे अंदर थी, क्योंकि मैंने बेस लिया है। अब ये छठवां महीना है, ये छठवें महीने में मैं प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कंफर्मेशन आया है मुझे प्रभु की ओर से, ये छठवें महीने में बहुत सारे लोगों की जो नौकरियां छुटी हुई है उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। बहुत सारे लोगों के जो लीगल प्रॉब्लम है, जो कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम है, वो भी छूटने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के प्रमोशन भी इसी महीने में आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के घर में गुड न्यूज भी इसी महीने में आने वाले हैं, क्योंकि जो आंसू आपने बहाए हैं, जिस दर्द से आप गुजरे हो, परमेश्वर उसकी भरपाई करना चाहता है। अगर आप योएल 2:25 को पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि मैं तेरी भरपाई करूंगा। अगर आप जखरिया 9:12 को पढ़ेंगे, तो जखरिया 9:12 कहता है कि जो बंदीवान लोग हैं, आशा के परमेश्वर की ओर मुड़ो, कि देखो मैं तुझे दुगना प्रतिफल दूंगा। आपने जो गवाया है वो आप दुगना पाओगे। निश्चय ये महीने में सभी के लिए अच्छी अच्छी बातें होने वाली है, क्योंकि ये छठवां महीना है। ये छठवें दिन में खुदा ने इंसान को बनाया था, और छठवें महीने में लुका रचित सुसमाचार 1:27 के अनुसार उद्धारकर्ता की भविष्यवाणी जिब्राइल पृथ्वी पर लेकर आया था, और यही भविष्यवाणी या यही बदलाव की बातें आज के दिन खुदावन आपके जीवन में लेकर आ रहा है। आप उस पर विश्वास करो, उसे ग्रहण करो। केवल एक ही काम करो कि कैसा भी हो, मुझे इंसान क्या समझता है समझने दो, मेरे रिश्ते नाते मुझे क्या समझते समझने दो, लेकिन खुदा की नजरों में मुझे पाक जीवन जीना है। खुदा की नजरों में मुझे एक विश्वासी जीवन जीना है। खुदा जब मुझे देखेगा, तब मुझे देख के प्रसन्न हो, ऐसा जीवन मुझे जीना है। मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ू तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ू तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी कुछ और ना अब भी जाए, लग जाए ऐसी लत तेरी कुछ और ना अब भी जाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
हालेलुया रिजॉइस। थैंक यू जीसस। आज के दिन झूमो, आनंद करो, आज के लिए आपका क्रिसमस है। आमेन। आज के लिए आपके मुक्तिदाता के द्वारा आई हुई आज की एक लिविंग रेमा प्रोफेसी आई है जो आपको बदलने जा रहे हैं। इसलिए छोड़ दो उस मायूसी को, छोड़ दो उन दुखों को, जो बीत गया वो बीत गया, अभी जो आगे आ रहा है उसकी ओर देखकर आनंदित हो जाओ। उठो इन दुखों की भूमि से, उठो इस सभी चिंताओं की भूमि से, खुदावन आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। उसी के जीवन में होगा जो इन हालातों में अभी ये स्वीकारेगा, ये छठवां महीना है, इस दिन से मेरा परमेश्वर अद्भुत बातें करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो सरकार के जो भी उन्होंने दिए हुए रूल्स और रेगुलेशन उसको फॉलो करना है।